सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आ गई हूँ मैं आपका दिमाग खाने के लिए। आई नो बहुत सारे फॉर्म्स निकले हैं ना एक साथ, तो ये भी भरना है, वो भी भरना है, फिर आलस भी आता है, मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी फॉर्म भरती थी इस टाइम पे। लाइक बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे। तो आज का जो है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है। इससे पहले जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बताई थी वो मैंने दिल्ली की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बताई थी, जिसको हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बोलते हैं। आज की जो है वो है बी बी ए यू अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसका आपने अभी हाल ही में NTA का PhD एंट्रेंस दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, हर डिपार्टमेंट की सीट कितनी है इस यूनिवर्सिटी में वो हम जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, ठीक है, जिन्होंने अपने नोटिस वगैरह में मेंशन किया हुआ है, प्रॉस्पेक्टस में डाला हुआ है। प्लस बहुत बच्चे बोल रहे थे फॉर्म कैसे फिल करना है क्या, ठीक है, तो वो भी मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि मैंने खुद वीडियो बनाने से पहले फॉर्म फिल करके देखा था कि क्या क्या चीज़ें पूछी हुई हैं, तो मैंने वो चीज़ें डाल दी हैं आपके लिए, तो आप वो देख लेना, ठीक है। लास्ट तक टिके रहना, जिसको फॉर्म फिल करना है बाकी चीज़ें पता है तो लास्ट के वीडियो में ऐसे स्क्रॉल करके लास्ट में देख लो, और नहीं तो सीट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जो सब बता चुके हैं मैं वो नहीं बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा फटाफट कंप्लीट करेंगे जो ऑलरेडी पता है। जैसे ये है, यहाँ पे आप 14 दिसंबर से शुरू हो गए थे और अभी लास्ट डेट है हमारी 3 जनवरी, और यहाँ पे फीस लिखा हुआ है, देख लेना। उसके बाद ये तो सबको पता है, छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस, जहाँ पे हमें मेन इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये सिर्फ PhD एंट्रेंस वालों के लिए फॉर्म आया है, और उसके अलावा ये आपको, मैं आप सीट की बात कर लेते हैं, आप अपना अपना देखते जाओ कौन से हो। जैसे सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस है, इतनी सीटें हैं टोटल, 21 सीटें हैं, आपने अपनी कैटेगरी की देख लेना। बायोटेक की 6, जूलॉजी की 17, मतलब पॉज करके अपने अपनी कौन सी कैटेगरी से आप होना देख लेना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ की 6, फूड एंड न्यूट्रिशन की 6, सोशोलॉजी की 12, हिस्ट्री की 16, पॉलिटिकल साइंस की 16, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ये इसकी 3, इसकी 16, देन इंफॉर्मेशन साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, स्टार्स, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, फार्मास्यूटिकल साइंसेस। बस अपनी सीटें देखते जाओ साथ साथ, ठीक है, मैं एक एक करके नहीं बताऊंगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना। मास कम्युनिकेशन, ह्यूमन राइट्स, लॉ, हिंदी, IT में अगर किसी को PhD करनी है 15, देन इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की 21 सीटें, और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी वाइज दिख रही है। एक ये है नंबर ऑफ सीटें ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय NTA, ठीक है, एनेक्शन ए के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, ठीक है, तो इनमें इनके पास है सोशोलॉजी, पॉलिसी साइंस, हिस्ट्री और एजुकेशन, मतलब ये अलग सेंटर है, यहाँ पे भी आप सीटें हैं आपके लिए। तो टोटल सिर्फ 2-2 सीटें हैं, सोशोलॉजी की 2 हैं, पॉलिसी साइंस की 2 हैं, हिस्ट्री की 2 हैं और एजुकेशन की 3 हैं, बाकी टोटल 9 सीटें हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आपको ये दिखा रखा है। तो ये वाली आपको टोटल वाला नहीं देखना, मतलब टोटल इन्होंने इतनी सीटें निकाली थी, अब इतनी सीटें बची हैं NTA एंट्रेंस के बेसिस पे, ये बता रखा है, ठीक है। तो इनका अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अलग अलग सेंटर है ना, जैसे तो ये इस सोशल इंक्लूजन और इंक्लूसिव पॉलिसी वाला अलग सेंटर है, इस सेंटर के अंदर ही 4 सब डिसिप्लिन आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये अमेठी में इनका एक सेंटर है BBAU का सैटेलाइट सेंटर, वहाँ पे जो सीट अवेलेबल है वो कॉमर्स के लिए है 4, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए 2, हिस्ट्री के लिए 4, देन IT के लिए 4, देन कंप्यूटर साइंस के लिए 2 और सोशोलॉजी के लिए 2, ठीक है, जो NTA ने एंट्रेंस कंडक्ट करवाया था उसके बेसिस पे इतनी सीटें बची हैं उनके पास, ठीक है। फिर आते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता है, वही मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू के लिए, इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट जो आपने अभी दिया है CUET का, उसकी 70% वेटेज है, फिर बैचलर्स डिग्री की 2% वेटेज है, मास्टर्स डिग्री का 3%, और नेट MPhil JRF है तो उसके JRF के 10 मार्क्स, MPhil प्लस नेट है तो 7 मार्क्स, और सिर्फ नेट है तो 5 मार्क्स, तो ऐसे मिला के आपके 100 मार्क्स। प्लस इन्होंने जो है वो 1:5 के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, जैसे जितनी सीटें हैं तो उस हिसाब से देखेंगे, मतलब हर 5 बंदों में से 1 बंदे का सिलेक्शन होगा, ऐसा मान के चलो कि अगर 5 बंदे इंटरव्यू के लिए आए हैं तो 5 में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो पाएगा उस कैटेगरी वाइज सीट के अकॉर्डिंग। तो ये उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, इसका हम अभी टेक्निकल मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, वो तो वो खुद ही देख लेंगे, हमारा मेन काम है इंटरव्यू देना, 1:5 ये सब समझना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। वो तो नंबर ऑफ सीट्स अगर ज़्यादा है आपके डिपार्टमेंट में तो, और आपको पता है क्या, जनरल कैटेगरी की अच्छी खासी सीटें हैं और मेरा जो स्कोर है वो भी अच्छा है,
मतलब बहुत अच्छा स्कोर भी कर आई हूँ मैं पीएचडी एंट्रेंस पे, तो फिर ठीक है यार एंट्रेंस इंटरव्यू आपका अच्छा ही जाएगा, लेकिन भर तो हर कोई सकता है ना। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन अभी एलिजिबिलिटी बता रही हूँ, रुक जाओ। फिर ये तो सारे ऐसे ही है, इसमें कुछ ऐसा सच खास है नहीं, जो जो खास है मैंने हाईलाइट करके रखा है पहले से। जैसे येरा क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और पीएचडी प्रोग्राम, ये पीएचडी बीबीए पीयू पीएचडी रेगुलेशंस पे ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने फिर मैंने देखा अच्छा इस यहाँ पे क्राइटेरिया दिया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, फिर मैंने एक डाउनलोड करके रखा है आपके लिए ये रहा, ठीक है। इनका पीएचडी रेगुलेशन पढ़ाना, तो उसमें भी एज सच ही क्राइटेरिया है। जैसे वो तो मास्टर्स वाला तो सबको पता है कि मास्टर्स से 55% होने चाहिए, और अगर आप एस सी एस टी हो तो आपके 45% मास्टर्स में 45 नहीं सॉरी 50% होने चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर आपकी बैचलर्स जो है वो 4 साल की थी, या फिर मतलब आप उस जमाने से बिलोंग करते हो जब बीए 4 साल का हुआ करता था, तो आपको कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए बीए में, और 5% रिलैक्सेशन इन सब के लिए, ठीक है। मतलब 70%, तो वो तो इतना भी कोई नहीं, मुझे नहीं लगता इतना पुराना बच्चा कोई होगा। तो एम फिल, अगर एम फिल करिए तो एम फिल में 55, और एस सी एस टी ओबीसी के लिए 50, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, पहले तो आपको इन क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, तब जाके आप एंट्रेंस वाले क्राइटेरिया पे पहुंचोगे। कहीं आपके यहाँ पता चल रहा है एमए में 55% नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा उसका आगे, ठीक है। तो एमए का क्राइटेरिया भी तो फुलफिल होना चाहिए। फिर प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है, पीएचडी 3 साल की होती है, 6 साल की होती है, सबको पता है मिनिमम 3 साल की। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन की एलिजिबिलिटी, तो आपका कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो, यूजीसी, आईएसईआर, आईसीएमआर, गेट, जीपीटी, डीबीटी, डीए, आईसीएचआर, ये सभी एग्जाम कोई भी क्लियर है तो एक फॉर्म आपका वैसे एलिजिबिलिटी होता है। पर जो ये फॉर्म निकला है ये स्पेशली एंट्रेंस वालों के लिए ही निकला है, तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई अभी काम है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपका 1:5 वाला बता दिया, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट, 5% मार्क्स होगा एस सी एस टी ओबीसी। तो जो मैं लॉजिकली बता रही थी वो भी इनका भी यही क्राइटेरिया है, समझ गए। तो अब अगर आपके 50% है तभी फॉर्म भरना, वरना मत भरना। तो बाकी इसमें कुछ है नहीं, और ये वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि 30% मार्क्स इंटरव्यू के काउंट होंगे, 30%, ठीक है। तो 30%, 30 मार्क्स में क्या होगा, जो एकेडमिक्स होगा उसके 5 मार्क्स आपके काउंट होंगे, सो बैचलर्स और इसके 5 मार्क्स, देन आपकी फेलोशिप के 10 मार्क्स काउंट होंगे। फेलोशिप में आपका मतलब क्या, जीआरएफ हो या एमफिल प्लस नेट हो, या फिर एमफिल प्लस नेट, एमफिल नहीं है सिर्फ नेट है, एमफिल है या नेट में से कोई एक है, तो आपके 5 मार्क्स। फिर रिसर्च प्रपोजल के लिए आपके 5 मार्क्स, तो रिसर्च प्रपोजल भी भाई अच्छा सा बना के जाना, उसके भी 5 मार्क्स लग रहे हैं यहाँ पे। और पर्सनल इंटरेक्शन जो आपका एंड स्टेज होगी, जब आप पैनल के सामने खड़े होगे इंटरव्यू देने, उसके 10 मार्क्स है। तो ये था, ये 22 पेज का पीडीएफ है वैसे तो, लेकिन पूरी पीडीएफ में ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको दिखा रखा है कि पीएचडी में जब एडमिशन हो जाएगा तब क्या क्या चीज़ें होंगी, आपका सुपरवाइजर कैसे होगा वगैरह वगैरह, तो वो हमारे अभी इतने काम का नहीं है, बस इसका ये याद रखना है। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से बता देती हूँ, या तो एमफिल है तो 5 मार्क्स, या नेट है तो 5 मार्क्स, अगर दोनों है तो 7 मार्क्स ऐसे काउंट होंगे, ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी कि रजिस्ट्रेशन का लिंक आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन देखेगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना और यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर लेना, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, देन ईमेल एड्रेस, पासवर्ड अपना डाल लेना कुछ भी, और ये सब, और कैप्चा डालना है। जैसे ही आप इस पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आपको बताया कि क्लास 10th बोर्ड जो मार्कशीट में जो भी इन्फॉर्मेशन थी ना, आपका नाम, रोल नंबर, वो नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको क्लास 10th वाली डालनी है जो आपकी मार्कशीट पे है, ठीक है। और यही जैसे रजिस्टर करोगे आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, और जैसे ओटीपी जो आपका ईमेल एड्रेस पे आता है वो आपको ओटीपी डालना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, और फिर जब वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा तब जाके आप लॉग इन करना, ठीक है। तो ओटीपी आएगा इस लॉग इन करने से पहले, रजिस्ट्रेशन ओटीपी के बाद कंप्लीट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लॉग इन के बाद के प्रोसेस की, लॉग इन करने के बाद क्या होगा। तो अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैंने स्क्रीनशॉट्स डाल दिए हैं आपको, क्योंकि फिर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वरना आपको दिख जाती ना, तो दैट्स वाई मैंने जो जो स्क्रीनशॉट पॉसिबल थे और अपनी इन्फॉर्मेशन को व्हाइट कलर से हाइड कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा होगा, ईमेल आईडी भी आती दिख रही होगी। सो ये मैंने 19 दिसंबर को फॉर्म भरा है, और सबसे पहला पेज जो था वो ये खुला मेरे सामने, रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब मैंने लॉग इन किया तो ऐसा कुछ आपके सामने खुल के आएगा, और उसमें फिर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी
प्रोफाइल डिटेल्स फिल करनी होंगी, देन प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा कि कौन से पीएचडी में, मतलब किस प्रोग्राम में आप पीएचडी करना चाहते हो, देन लास्ट में पेमेंट। अभी मैं दिखाती हूँ सारा एक एक, तो इन्होंने स्टेप भी बता रखे हैं, पहले प्रोफाइल कंप्लीट करो, देन प्रोग्राम में अप्लाई करो, और देन लास्ट में फीस भरो। आप स्टेप टू पे नहीं जा सकते जब तक आप स्टेप वन कंप्लीट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये देखा ना और आप सीधा प्रोग्राम सेलेक्ट करने पर चले गए, तो वो जाएगा ही नहीं, वहां पे कुछ एक अलग से वार्निंग आ जाएगी कि पहले आप अपना प्रोफाइल फिल करो, उसको सबमिट करो। तो ये ऐसा कुछ फॉर्म आया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपडेट पे जैसे आप लॉग इन करोगे ना, ऐसा फेस दिखेगा, ठीक है, वेलकम और आपका नाम, तो आप इसको अपडेट पे क्लिक करना, ठीक है। और जो आपने ईमेल आईडी को या मोबाइल नंबर अगर चेंज करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा होगा मेल और मोबाइल नंबर, वो चेंज करना है तो वो यहाँ से कर लेना, ठीक है, वरना आप सीधा अपडेट पे क्लिक करना और एक एक इन्फॉर्मेशन फिल करना स्टार्ट करना। अब मैं दिखाती हूँ पहले अपडेट पे क्लिक करके आपसे क्या पूछेगा। सबसे पहले अपडेट पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अब मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट तो नहीं लगा सकती थी, सब कुछ, और फोन नंबर वगैरह नहीं दिखा सकती थी या प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह। सो मैंने यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आपका नाम पूछेगा, प्लेस ऑफ बर्थ की डिटेल्स पूछेगा, जहाँ पे आप पैदा हुए थे, जहाँ पे आप रह रहे हो वो नहीं, जहाँ पे आप पैदा हुए थे वहाँ की डिटेल डालनी है। कैटेगरी पूछेगा, जनरल एससी एसटी ओबीसी, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आपकी फैमिली डिटेल्स पूछेगा, उसमें फैमिली डिटेल्स में आपका पापा मम्मी का मोबाइल नंबर, सैलरी, ऑक्यूपेशन, ब्लड ग्रुप पूछेगा, ये भी आप पता होना चाहिए। और जहां जहां हिस्ट्री क्या है वहां पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, वहां पे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, सॉरी। तो जहाँ जिस जिस के आगे ऐसे साइन बना हो ना रेड कलर का, तो वो तो आपको कंपलसरी भरने ही है, और बाकी जहाँ पे ये साइन नहीं है वो खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फैमिली डिटेल्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है, तो उसको खाली छोड़ दो। और वहाँ पे स्ट्रिक का भी निशान नहीं है, स्ट्रिक मतलब स्टार होता है रेड कलर का। फिर आपसे पूछेगा आप क्या पहले बीबीएयू में इनरोल हो चुके हो, मतलब कि जो लखनऊ में जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वहां पे आपने मास्टर्स की हो या बीए की हो या और कोई कोर्स किया हो, अगर किया है तो यस कर देना। जैसे ही यस पे टिक करोगे, तीन चार ऑप्शन आपको और फिल करने पड़ेंगे, आपको अंबेडकर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर क्या था जब आप वहां पे थे, तो ये सब चीजें पूछेगा, मतलब आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। नहीं है तो नो कर दो, सिर्फ नो करने का कुछ आएगा नहीं, ठीक है। यस करोगे तो तीन चार कॉलम्स एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे अपने रोल नंबर वगैरह से रिलेटेड, कि आप जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में थे तो कौन सा कोर्स लिया था आपका, वहाँ पे रोल नंबर क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आप फिजिकली डिसेबल्ड हो या नहीं, सॉरी, फिजिकली डिसेबल हो या नहीं वो पूछेगा, तो फिर आप वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, या आपको चार पांच ऑप्शन दे देगा, अपने हिसाब से चूज कर लेना, अगर आप में कोई मतलब फिजिकली डिसेबल हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछेगा और परमानेंट एड्रेस पूछेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे आप रहते हो अभी, जहाँ आप रह रहे हो, सॉरी, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहते थे, ठीक है। कुछ लोग आते हैं ना दिल्ली में पढ़ाई करने वगैरह, तो वो जैसे पीजी हॉस्टल वाले जो होते हैं, वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे अपना पीजी हॉस्टल वाला एड्रेस डाल देना, और परमानेंट एड्रेस में जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहते थे वो डाल देना। अगर अगर दोनों सेम है तो फिर सेम टिक कर देना बस। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म आएगा, जब आप पर्सनल डिटेल्स भर दोगे फिर आएगा सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आएगा, उसमें आपको ये पूछा होगा इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश पढ़नी आती है तो रीड उस पर टिक करते जाना, मतलब तीनों में, तो मैंने तो तीनों पे टिक किया था कि रीड, राइट एंड स्पीक। ऑल्दो मैं ये फॉर्म नहीं भर रही हूँ, बस आपको, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना था तो मुझे भी, मैंने एक बार ही भर के देख लिया, सबमिट नहीं किया, बस पेमेंट नहीं करी। और फिर हिंदी वाले, हिंदी में भी फिर रीड, राइट, राइट स्पीकिंग, इसका मतलब तो आप सबको पता होगा। अदर लैंग्वेजेस में इसके अलावा आपको और कोई लैंग्वेज आती है, जैसे मुझे पंजाबी आती है तो मैंने पंजाबी लिख दिया, और मेरे को मैंने लिख दिया कि मुझे पढ़नी आती है और बोलनी आती है, लिखनी नहीं आती, तो मैंने इसमें क्लिक नहीं किया, ठीक है। फिर वैसे और कोई लैंग्वेज आती है तो लिख दो, नहीं आती तो छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि इंडियन लैंग्वेज ही, फॉरेन लैंग्वेज भी आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, इसके बाद फिर से ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट पे जाना। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे फिर ऐसा कुछ आएगा, ये आएगा मेरा प्रोफाइल डिटेल्स मैंने फिल कर दी, फिर अदर डिटेल्स में मैंने वो आपको दिखाया ना लैंग्वेज वाला जो, अभी वो आएगा अदर डिटेल्स में। फिर अपलोड्स में ये तीन चीजें अपलोड करने बोल रहा है, एक आपकी फोटो, एक आपका सिग्नेचर और एक इनकम सर्टिफिकेट। तो मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं तो ऐसे है नहीं मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम कमेंट मत करना कि मैम इनकम सर्टिफिकेट नहीं है क्या करें, खाली छोड़ दो, सबमिट को फिर भी ले रहा है, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर पक्का से अपलोड कर देना, ये तो जरूरी है ही, ठीक है। पर इसमें ये बता भी रखा है 10 KB से 500 KB वाला सीन, और इसको मैंने खाली छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद एक ऑप्शन आया था
या तो बैंक जाने का ऑप्शन आएगा आपके पास कि अगर आपको देखना है तो, या मतलब तो ये आएगा ऑप्शन, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस पे पहुंच जाओगे आप नंबर फोर्थ कॉलम पे, और प्रीव्यू में आपको ये सारी डिटेल्स दिखा देगा। बहुत बड़ा फॉर्म था तो मैंने अपनी बाकी डिटेल्स तो हाइड कर दी, यहाँ पे आपको दिखाएगा नो। अच्छा, अब इसको देख के परेशान मत होना कि यहाँ पे लिखा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट प्रोवाइडेड, प्रोग्राम रजिस्टर्ड नॉट प्रोवाइडेड, और ये डिपार्टमेंट नॉट प्रोवाइडेड, इसको देख के परेशान मत होना, क्योंकि ये आपने वहां पे, मैंने आपको बताया था ना येस और नो पूछा था आपसे, तो ये वो वाला सीन है। ठीक है, तो मैंने क्योंकि नो पे क्लिक किया था, मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पहले नहीं पढ़ी हूँ तो मेरा वहाँ का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या प्रोग्राम नहीं था, तो ये आया है। ठीक है, यहाँ पे मेरी फैमिली डिटेल्स अपने आप लिखी हुई आई थी, मैंने इसको अभी हाइड कर दिया है। देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप डालोगे यहाँ पे सब शो करेगा, और ये प्रिव्यू में शो करेगा ये सारी चीजें, और लास्ट में एक आपको ऑप्शन भी देगा कि आप बैक जा सकते हो देखने के लिए, और या फिर आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि पूरे फॉर्म में आपने जो जो भरा है ठीक भरा है कि नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्म है, मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगाया है, और फिर उसके बाद सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन आएगा, सबमिट एंड लॉक, तो उसको लॉक कर देना। फिर जैसे ही आप लॉक करोगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे फर्स्ट, पहले पहले वाली जगह पे जो मैंने आपको दिखाया था ना अपडेट वाला, तो आपका आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, और प्रोफाइल डिटेल्स फिल करने बोलेगा। फिर प्रोफाइल डिटेल्स फिल करने के जब आप इस पे क्लिक करोगे ना आगे, अभी भी आप प्रोग्राम सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक नहीं करते, तो प्रोफाइल डिटेल्स में आपका क्या आएगा, प्रोफाइल डिटेल्स में ऐसा कुछ सीन आएगा आपका। ठीक है, तो आपकी ये सारी चीजें पूछेगा कि आपका प्रोग्राम सिलेक्शन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पीएचडी सिलेक्ट करना है, डॉक्टरल पीएचडी प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम लेवल। उसके बाद आपका आएगा कि कोर्स, तो कोर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट किया, जैसे आपके बहुत सारे कोर्स आएंगे आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका ये हो गया डॉक्टरल पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, ये कर दिया। फिर उसके बाद आपको पूछेगा नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट, तो जो आपके पास अभी स्कोर कार्ड आया होगा पीएचडी का एंट्रेंस जो आपने दिया है इसी के लिए, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही कॉलम है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है पीएचडी एनटीए एग्जाम, और कोई ऑप्शन इसमें दिखा नहीं था मुझे, तो ये वाला जो फॉर्म निकला है ये सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस वालों के लिए ही निकला है, नेट और जीआरएफ वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते, ये सिर्फ एंट्रेंस वालों के लिए निकला है जिन्होंने अभी एंट्रेंस क्लियर किया है। उसके अलावा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन कौन भर सकता है, तो फिर ये मेरे जैसे 300 मार्क्स है तो 300 भर दिया। अच्छा, मैंने जैसे 300 भरा ना, तो इसमें आ रहा है कि 7 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो अगर जब आप अपना स्कोर कार्ड चेक करोगे ना तो आपको स्कोर पता है कैसे लिखा होगा, जैसे 300.0 या 236.0, तो 0.0 भी डालना पड़ेगा तब जाके ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये बोलेगा कि 7 डिजिट तक डेसिमल पॉइंट डालो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 7 बारी 0.0.0 लिखना है, बस एक बार ही लिखोगे तब भी ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो आपके स्कोर कार्ड में मेंशन है, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह, ठीक है, तो ये हो गया, ऐसा कुछ आएगा। देखो मैंने पॉइंट डाल दिया ना, तो ये एक्सेप्ट हो गया था, 0.0 करके लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन नंबर डाला, यहाँ पे मैंने अपनी आईडी डाली, और सब्जेक्ट कोड भी आपका वही लिखा होता है जो स्कोर कार्ड के अंदर, HUPEH ऐसे करके कुछ, और एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर फिर से। अच्छा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों में आपको सेम चीज डालनी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। देन यहाँ पे एग्जाम ईयर, तो अभी आपने सबने 2023 का एग्जाम दिया है, तो 2023 ही आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, 2022 21 22 कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ 23 आ रहा है, तो वही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपका ये वाला सीन, ये अभी आप पूरा फिल हो गया, ठीक है, जो मैंने अभी पीछे दिखाया है पूरा सेक्शन खत्म। इसके बाद आप जब नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करोगे तो आपकी पूछेगा पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स के बाद आपके एकेडमिक डिटेल्स, फिर दूसरी अदर डिटेल्स, फिर यहाँ पे अपलोड्स में, तो मतलब ये आप एक के बाद स्किप नहीं कर सकते, आपको लाइन वाइज ही जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई आप सोच रहे हो कि मैम आधे में फॉर्म फिल करके छोड़ दिया, कोई नहीं कोई नहीं, मैं इसको आगे का कंटिन्यू करूँगी पार्ट टू में, ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्म है ना, तो अब ये भी भरना है, फिर उसके बाद पेमेंट सब कुछ दिखाना पड़ेगा, तो इसका पार्ट टू आएगा 20 दिसंबर या 21 दिसंबर को। तो आप ये जब वीडियो देख रहे हो, अगर 20 या 21 दिसंबर है तो मतलब तब तक मैं डाल दूंगी पक्का से, 3 जनवरी तक है ना आखिरी डेट, आराम से भर देना, अभी जितना बताया उतना तो कर लो, लॉग इन करके, रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके रख लेना, और इसके बाद, और अगर आपकी सीट एलिजिबल है, ठीक है, और आप आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, सीट्स भी हैं आपके पास, तो आप अभी रिसर्च प्रपोजल बनाओ तब तक, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो अपलोड वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना पड़े, तो मैं वो बताऊंगी, इट्स अ सीक्रेट। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्या पता उनको भी हेल्प हो जाए, क्योंकि फॉर्म भरने में बहुत आलस भी आता है और दिक्कत भी आती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।